हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आफ्टर इफेक्ट की एक और क्लास जिसमें हम लोग एक सिंपल वे से एरो एनिमेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और मैं जितना कोशिश कर सकता हूं कि आपको सिंपल एंड इजी वे बताऊं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इजी से इजी वे में बताया जाए। तो फिर भी आप जिसमें अगर किसी चीज में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। तो चलो शुरू करते हैं। तो न्यू कॉम्पिटिशन 1920, एंड इसे आप चाहे इसे आप लोग 5 सेकेंड के लिए 05, ठीक है, डन। एंड अभी हम लोग इस पे कुछ एरो बना सकते हैं। एरो कैसे, एरो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें हम चाहें तो यहाँ से शेप लेयर्स ले सकते हैं, अपना खुद का बना सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फोटोशॉप में खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे एरो ये देखिए, तो इस तरह से एक एरो बन गया। और इसका हमने स्टोक को कैंसिल, स्टोक को हमने इसका बंद कर देना है। और ओके, और ये देखिए, इसे हम लोग यहाँ से कुछ सेटिंग कर सकते हैं करना चाहें तो, और आप अडोब में अगर बनाना चाहें तो और भी बेस्ट, फोटोशॉप में अच्छा बन जाएगा। चलिए मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए सिंपली बोलता हूँ, ठीक है, डन। और अभी इसमें हमने फिल में जाना है, फिल के अंदर हमने इसमें कलर फिल करने हैं। कलर में हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने रेड कलर ले लिया, ठीक है, डन। तो ये हमारा एक तरह से एक एरो बन गया है। तो हमें इसे अब एनिमेट करना है, तो वो कैसे करना है, तो सिंपली वे यहाँ आप जाइए, ट्रांसफॉर्मर में, और यहाँ से हमें ओपेसिटी पे क्लिक करना है। यहाँ हम लग जाते हैं 1 सेकेंड्स, और ओपेसिटी को कर देते हैं 0 एंड 1। उसके बाद हम लोग 1/2 सेकेंड और जाते हैं, एंड उसके बाद हमें ये की फ्रेम ऑन करना है। तो हमारा कुछ इस तरह से बना, ये देखिए, तो ये देख, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से ये बन गया है, डन। और अभी हमने क्या करना है, इन तीनों को की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, और लेफ्ट क्लिक करके हमें इजीज करना है। ये इजीज हम लोग F9 से भी कर सकते हैं, ओके, देखिए, ठीक है, डन। अभी हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो ओपेसिटी पे है, यहाँ हमारा की फ्रेम है, यहाँ हमने क्लिक करना है, लेकिन अल्ट दबा के क्लिक करना है। तो जैसे अल्ट दबा के हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी। तो यहाँ हमने टाइप करना है LOOP, लूप लूप आउट, ठीक है, लूप आउट, एंड एंटर। तो होगा क्या, ये जो हमारा की फ्रेम है ये ऑटोमेटिक ही हमारा लूप में चलेगा। ये देखिए, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। तो हमें इसे अब ब्लॉक बंद कर दें। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं। तो सिंपली कंट्रोल डी से हमने एक कॉपी ली, और सिंपली हमने इस कॉपी को यहां कर दिया, गुड, ओके, उसके बाद फिर एक कंट्रोल डी,
तो इसकी एक कॉपी और जो हमने इससे आगे कर दी, और यहाँ हम लोग फिर इस यहाँ क्लिक किया कंट्रोल डी, इसकी कॉपीज ली और हमने इसे भी कर दिया आगे। और इस तरह से हमने एक कंट्रोल डी कॉपी ली और इसे भी हमने थोड़ा आगे कर दिया। ठीक है, डन। तो ये होगा क्या, ये थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, इसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, राइट। इसे भी अभी ये वाला भी ऊपर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बिकॉज हमारा ये आई थिंक सेंटर में नहीं है। ठीक है, चलो बेसिकली मैं आपको सिंपल तरीके से एक समझा रहा हूँ, आप जब फाइनल करोगे तो आप कर सकते हो। ओके डन। ठीक है, तो ये होगा क्या, अभी हमने करना क्या है, यहाँ इस यहाँ इसे थोड़ा सा यहाँ इसे थोड़ा यहाँ और इसे यहाँ एंड इसको थोड़ा यहाँ करना। ठीक है डन, तो हमारा एनिमेशन बन गया। तो इस तरह से और हम लोग एरो बना सकते हैं, और ये थोड़ा नीचे को टेपर इसलिए जा रहा है बिकॉज हमने जो फर्स्ट वाला एरो बनाया वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना, बट आप फोटोशॉप में अगर उसका एक PNG फाइल बना लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, वो बेस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली एरो बना सकते हैं, और इसके बाद हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग जैसे सेकेंड में कि हमने यहाँ हमने में गए शेक में स्टॉक में गए, तो स्टॉक में हमने क्या किया, सॉरी हम लोग रेड जगह ब्लू कलर डालते हैं। ओके, इसे हमने बंद किया। अब तो शेप थ्री में जाना है, में शेप में फिल में रेड की जगह हमने ये वाला कलर डाल दिया, और उसके बाद फोर्थ में शेप में जाइए, फिल में जाइए, फिल में जाने के बाद यहाँ हमने ग्रीन डाल दी। ओके एंड इसे बंद कीजिए और फाइव पे जाइए, कंटेंट शेप में फिल में रेड की जगह पे येलो डाला, येलो येलो अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ ठीक है येलो। ओके डन, तो ये देखिए कुछ हट के सेटन बन गया है। तो इस तरह से आप, जरूरी नहीं है कि यही हमने एरो ही बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं, बेसिकली डिजाइन होना चाहिए, कोई भी डिजाइन लेके हम लोग इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।